Good morning, student. Today in our math lecture, we are going to learn the lesson number 6, division part 1. Third standard में भी आपने division पढ़ाई, okay? तो हम उसको revise करेंगे. See, I am having some chocolates. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. कितने chocolates हैं मेरे पास? 8 chocolates थी. अब ये 8 chocolates हमको 4 student में डिस्ट्रीब्यूट करने का है. डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या करने का है, उसको डिवाइड करने का है. अब 4 स्टूडेंट को देने का है मतलब लेट अस सी. मैं यहाँ पे पहले 4 पार्ट बना देती हूँ. सी, अब ये यहाँ पे मैंने 4 पार्ट बना दिए. ये 1, ये नंबर 1 के लिए, ये नंबर 2. पहले हम सबको 1 चॉकलेट देखेंगे, फिर हमारे के पास कितने रहते. यस, कितने हो गए सबको मिले? 1, 1. अब हमारे पास कितने एक्स्ट्रा चॉकलेट्स है? सी, हाँ, 4 चॉकलेट्स है. तो हम फिर से सबको 1 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये 1, ये सेकेंड वाला इनको, ये थर्ड वाला इनको, और ये फोर्थ वाला इनको. तो मतलब कितने चॉकलेट्स मिले हर एक बच्चों को? यस, 2, 2, 2 एंड 2. ये ही हम इसे बोलते हैं हम डिवाइड करना. डिवाइड करना मतलब क्या? डिवीजन. यही आपके टेक्स्ट बुक में यही रिवीजन दिया है जो मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताया है. तो यहाँ पे देखो, मेरे पास है 8 चॉकलेट थे. अब मैंने इसको डिवाइड किया. ये है डिवाइडेड का साइन. कितने बच्चों में देने का है? 4. तो हर एक बच्चे को कितना मिला? 4 के टेबल में हमको 8 कौन से नंबर पे आता है देखने का है. 4 1 4 4 2 8. यस, 4 2 8. अब 8 का मेरे पास तो कुछ नहीं बचा ना. अब 8 माइनस 8, क्योंकि मेरे पास अभी एक भी चॉकलेट नहीं, मैंने 4 बच्चों को दे दिया, तो ये मेरे पास रह गए 0. और हर एक बच्चे को कितना मिला? 2, जैसे कि अभी हमने ये यहाँ पे डिवाइड किया है. तो इसे बोलते हैं डिवीजन. इसे क्या बोलते हैं? डिवीजन. और डिवीजन का साइन होता है ये S. ओके, इसे हम बोलते हैं डिवीजन का साइन, सिम्बॉल ऑफ डिवीजन. ओके, तो इस तरह हमने ये 8 चॉकलेट्स 4 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए. डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ. डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या करना? डिवाइड करना. डिवाइड मतलब डिवीजन. ओके, सो यही लेसन हम हमारे वर्कबुक में अभी सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. डिवीजन हमको क्या हेल्प करता है? डिवीजन हेल्प अस इन इक्वल शेयरिंग एंड इक्वल ग्रुपिंग. मतलब हमको इक्वल शेयरिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे 4 स्टूडेंट को इक्वल टू टू, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा. सो इक्वली हमने सबको ये 2 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए. इक्वल ग्रुप हुआ. अब ये देखो, ये एक ग्रुप हुआ 2 चॉकलेट्स का, ये एक टू और ये एक टू. मतलब डिवीजन हमको इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग करने के लिए हेल्प करता है. लेट अस सी इन आवर वर्क बुक नाउ. सी, वी विल स्टार्ट द क्वेश्चनरीज. सी, ये जो रिवीजन है अभी यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट्स की आप यहाँ पे कर लिया है. ओके, अब हम उस क्वेश्चनरी डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. 18 इज कम्प्लीटली डिवाइजेबल बाय. अब डिवाइज करना मतलब क्या करना? तो हम वो जो टेबल में 18 कौन से टेबल में आता है उसको हम कम्प्लीटली उसको डिवाइड कर सकते. तो आप सोच के बताओ मुझे. यस, 18 इज़ कम्प्लीटली डिवाइजल बाय कौन कौन से नंबर में, सोचा आप लोगों ने? सी, यहाँ पे हमें देखेंगे 18 कौन कौन से टेबल में आता है. 2 के टेबल में आता है, यस, 2 9 ज़ा 18. 9 के टेबल में 18 आता है, यस, 9 2 ज़ा 18. और 6 के टेबल में आता है, 6 3 ज़ा 18. और 3 के टेबल में आता है, 3 6 ज़ा 18. मतलब ये जो 4 नंबर से ये जो 4 नंबर से 18 जो है कम्प्लीटली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. सो लेट अस सी. 18 इज कम्प्लीटली डिवाइजल बाय 2 3 6 एंड 9. ओके, अब 0 से 15 को डिवाइड करने का. 0 0 15 ज़ा 0. मतलब जैसे कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है? 0 होता है. वैसे ही जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को
क्योंकि जीरो को टेबल मैंने आपको बोला था, 0 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0। मैं आपको राइट करके बता दूंगी वो टेबल, तो 0 15 0 0, तो आंसर आएगा 0। ओके, सो नेक्स्ट, इन डिवीजन वी मेक सेट्स ऑफ गिवन मेक्स इक्वल सेट। क्या बनाते हैं हम? इक्वल सेट बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, डैश टाइम्स 5 इज 30। अब 5 के टेबल में 30 कौन से इस पे आता है? 6। 5 6 30। अगर हम 5 को 30 से डिवाइड करें, 6 टाइम्स 5 इज 30। सो 5 को हम जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो ये जो डिवीजन होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। जैसे कि 7 6 42, देन 42 डिवाइडेड बाय विच नंबर, आंसर विल बी 7। यस 6। अगर 6 के टेबल में, 6 के टेबल में 7 की पोजीशन पे 42 आता है, तो वैसे ही 42 को अगर हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा, तो 7। मतलब ये जो टेबल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, मैंने आपको पहले बोला था, वैसे ही डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पे एक हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 10 डिवाइडेड बाय 5। इसको हमने यहाँ पे 2 रोज में किया है, 1 2 3 4 5, 5 लिया 6 7 8 9 10। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितने रो हो गए? 2। तो ये हो गया आंसर। तो इसको हम, ये बहुत ही सिंपल है। अभी हमको ये 16 डिवाइडेड बाय 4 करने का है, तो हम ये 4 डॉट पहले लेंगे, 1 2, हम ईच रो में 4 4 डॉट्स लेंगे। ओके, 3 एंड 4 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने रो मिले? 1 2 3 4 मीन्स हमको मिला 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो ऐसे ही ये जो आगे के 2 सम से ये आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आया कैसे करने का है? जो फर्स्ट है वो हमको यहाँ पे 6 दिया है, तो यहाँ पे 6 डॉट फर्स्ट लिखने के, 24 नंबर आने तक उसको डिवाइड करते हुए चलने का है। ओके, लेट अस स्टार्ट द डिवीजन। डिवाइड, राइट द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। ये जो नंबर देखो, 981 डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे ये जो 81 होता है इसको बोलते हैं डिविडेंड। ओके, और जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र। डिवाइज़र कौन सा? जो टेबल हम बोलते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और जिस नंबर को हमको डिवाइड करना होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब ये 9 के टेबल में 81 कौन से पोजीशन पे आता है? 9 के पोजीशन पे, तो वो जो आंसर होता है वो यहाँ पे उसके यहाँ पे सब पे लिखने पड़ता है, उसको बोलते हैं कोशंट। उसको क्या बोलते हैं? कोशंट। ओके, 9 9 जा 81, यहाँ पे हमने 81 ले लिया, और ये 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 होता है, यहाँ पे जो नंबर बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। अब यही हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे देखो, ये जो 24 है ये क्या है? करेक्ट, इट इज डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको? डिविडेंड। और ये जो 3 है इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं उसको? डिवाइजर। ओके, अभी हमको कोशंट और रिमाइंडर यहाँ पे हमको निकालने का है, हमको यहाँ पे उसको कैरी आउट करने का है। ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशंट। जो आंसर आएगा उसको होगा कोशंट, और जो बचेगा उसको बोलेंगे रिमाइंडर। अब 3 का टेबल बोलो तो आप सब लोग, यस, 3 के टेबल में 24 कौन से पोजीशन पे आता है? 3 8 जा
24, ये यहाँ पे 24 माइनस करेंगे हम 24, 3 8 जा 24, 24 माइनस 24 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, मतलब रिमाइंडर क्या आया 0, क्या आया 0। तो ये जो 24 है ये हो गया डिविडेंड, ये 8 डिविडेंड को कौन से नंबर से डिवाइजर, जो नंबर से करते हैं डिवाइड उसको बोलते हैं डिवाइजर, और ये जो आंसर आता है जो हम उसके सर पे लिखते हैं उसको बोलते हैं कोशंट, और जो नीचे जो भी कोई नंबर बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। यहाँ पे अब ये टू सम से ये आप लोग सॉल्व कर, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। नाउ सी, अब ये 2 5 10, ओके 2 5 10, नाउ 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, 2 के टेबल में 10 कौन से प्लेस पे आता है, करेक्ट 2 5 10, तो आंसर आया डिवीजन का 5। अब अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 5 के टेबल में 10 कौन से प्लेस पे आता है, कौन से पोजीशन पे, यस 2 के पोजीशन पे। मतलब इधर ध्यान दो, एक मल्टीप्लिकेशन जो है हमको 2 डिवीजन देता है, क्या देता है, एक मल्टीप्लिकेशन 2 डिवीजन देता है, 2 डिवीजन हमको इसमें से मिलते हैं। 2 5 10, अगर 5 को हम 5 से अगर 10 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 2, और अगर 2 से हम 10 को डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहता है। सी, हियर आर सम प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। नाउ 8 5 1 यहाँ पे सॉल्व करके बताया है 1, नेक्स्ट हम देखेंगे 8 5 40, 40 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, यस ये जो दूसरा नंबर होता है ये होगा उसका आंसर। 5 से अगर हम 5 5 8 40, इसलिए आंसर आया 8। अब वही अगर उसी का हम दूसरा डिवीजन करें, आंसर अगर 5 आना हो हमारा तो हमको कौन से नंबर से 40 को डिवाइड करना पड़ेगा, यस यू आर करेक्ट इट इज़ 8, 8 5 40, मतलब 1 मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस 2 डिवीजन, लाइक दिस वन एंड द सेकेंड वन दिस वन, ओके। नाउ सी, एक हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 9 7 63, अब 9 7 कितना आता है ये मल्टीप्लिकेशन में, 7 या फिर 7 9 63, तो अब 63 को डिवाइडेड बाय विच नंबर विल गिव आंसर 9, यस तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है 7 से अगर हम 63 को डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 9, और उसी तरह अगर 63 डिवाइडेड बाय विच नंबर वी विल वांट आंसर 7, सो विच नंबर वी हैव टू राइट हियर, यस करेक्ट 9, 9 के टेबल में 7 की पोजीशन पे हमको 63 मिलेगा, और वैसे ही अगर हमको आंसर 9 है तो 7 की टेबल में 9 की पोजीशन पे हमको 63 मिलेगा। अब ये आगे की जो 3 है ये आप लोग ट्राई करो, ओके। अब हम देखेंगे डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। अब हमको देखने का है 2 डिजिट नंबर को एक सिंगल नंबर से हमको डिवाइड कैसे करें। तो जो डिवीजन होता है उसकी जो अरेंजमेंट होती है ये इस तरह होती है, ये देखो ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, आंसर जो आता है वो कोशंट, और जो नीचे नंबर हमको मिलता है वो होता है रिमाइंडर, ओके। यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 5 वे, ओके ये क्या हो गया डिवाइजर, 5 से हमको 75 को डिवाइड करने का है, तो फिर कितने हमको पार्ट यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे हमको सब मेंशन करने का है। अब ये तो सॉल्व करके दिया है, हम नेक्स्ट करेंगे 4 52 डिवाइडेड बाय 4, और ये जो साइन होता है ये डिवीजन का ऐसा साइन होता है, ओके। अब 4 का टेबल बोलने का है जिसमें 52 आता है, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, इसलिए अभी हमको
वन वन, जब भी फोर ये जो डिविजर होता है, डिवाइज़र होता है सॉरी, ये डिवाइज़र से अगर ये इधर का नंबर अगर बड़ा हो तो हम सिंगल सिंगल नंबर करके उसका डिवीज़न कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखो फोर के, हाँ और एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोगों ने अब तक सीखा है, जब जब भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन किया है हमने यूनिट नंबर से स्टार्ट किया है, पर डिवीज़न ये एक अकेला ऐसा है जिसको हमको स्टार्टिंग नंबर जो भी हो, टेंस हो, हंड्रेड हो या थाउजेंड हो, उससे हमको डिवीज़न स्टार्ट करना होता है, ना कि एंड में एंड का जो यूनिट नंबर होता है वहाँ से शुरू करने का नहीं होता है। जो भी स्टार्टिंग नंबर होता है टेंस का हो या फिर हंड्रेड का हो, अभी तो हमको बस टेंस का ही है तो हम टेंस से पहले डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। अब फोर के टेबल में फाइव आता है क्या? नहीं आता है, पर फाइव से जो छोटा नंबर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे तो प्लस और फोर का जो टेबल होता है फाइव से छोटा नंबर फोर के टेबल में आता है क्या? फोर वनजा यस, फोर फोर ही उसका है, तो फोर वनजा फोर, ये हमने यहाँ पे फोर लिखा, माइनस फोर करने का है फाइव में से। अब ये देखो अब फाइव में से फोर को सब्ट्रैक्ट करने का है, और फोर वनजा ये फोर आंसर यहाँ पे लिखा हमने वन, ओके क्योंकि ये वन की पोजीशन पे आता है। फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू वन, और ये जो टू है ये टू आएगा हमारा जंप मार के नीचे, तो दोनों ये इसका वन जो रिमाइंडर बचा ये वन और ये टू मिला के हो गए ट्वेल्व, कितने हो गए ट्वेल्व। तो अब ट्वेल्व फोर के टेबल में ट्वेल्व कौन सी पोजीशन पे आता है? यस करेक्ट, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, तो फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व। अब ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। अब मुझे बताओ डिविडेंड क्या है यहाँ पे? यस 52। डिवाइज़र मतलब कौन से टेबल से हमने इसको डिवाइड किया? फोर। कोशंट मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना है? 13। और रिमाइंडर मतलब हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो यहाँ पे हो गए रिमाइंडर ज़ीरो। इस तरह आपको ये नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करने का है, और उसी तरह पेज नंबर 43 पे आपको ये डी ई और एफ ये आपको ट्राई करने का है। आपको खुद किस लिए ट्राई करने का है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है मैथ्स मतलब प्रैक्टिस, ओके। एक और हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे डिवाइड, ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, बस हमको यहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर, जैसे कि यहाँ पे ये क्यू और ये आर, आर फॉर रिमाइंडर, क्यू फॉर क्वोशंट, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया है, वही हमको यहाँ पे मेंशन करने का है। अब एट के टेबल में फोर आता है? नहीं आता है। अब कैसे करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे देखो फाइव के टेबल में थ्री नहीं आता, तो उन्होंने पहले क्या लिए? ज़ीरो। तो हम वैसे करेंगे, एट के टेबल में फोर तो नहीं आता, इसलिए एट फोर ज़ा सॉरी एट ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो फोर माइनस ज़ीरो इज़ इक्वल टू फोर, क्योंकि फोर में से कुछ भी नहीं गया तो आंसर आएगा एज इट इज़ फोर, और ये वन जंप मार के आ गया नीचे, तो आंसर मिला 41। अब हम 41 ढूंढेंगे एट के टेबल में, तो एट के टेबल में 41 तो नहीं है, पर 41 से छोटा वाला नंबर कौन सा है? उसके एकदम नियर अबाउट होना, तो वो कौन सा नंबर हो गया? 8 5 ज़ा 40। तो ये हमने लिखा यहाँ पे 8 5 ज़ा 40 माइनस 41 माइनस 40। अब वन में से ज़ीरो गया एज इट इज़ वन, फोर में से फोर गया ज़ीरो, तो हमको कोशंट क्या मिला? यहाँ पे मेंशन करेंगे क्यू, कोशंट मिला फाइव, और रिमाइंडर हमारे पास कितने बचे फिर? यस वन, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, ये कोशंट और ये रिमाइंडर। आगे के टू हम सॉल्व करेंगे, ओके। ये जो है आगे के, अभी ये आप अपने मन से कर सकते हैं, ये मेंटली सॉल्व करेंगे, फटाफट आप कर सकते हैं। फाइव के टेबल में 50 कौन से प्लेस पे आता है? करेक्ट, 10 के प्लेस में, 5 10 ज़ा 50। 10 के टेबल में 40 कौन से प्लेस पे आता है? 4, 10 4 ज़ा 40, ऐसे आप ओरली करेंगे।
सिक्स के टेबल 60 कौन से प्लेस पे आता है, 10, 6 टेन ज़ा 60। तो ये ऐसे डिविडेंड आपको फटाफट मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिवाइडिंग ज़ीरो बाय नॉन ज़ीरो नंबर। अगर ज़ीरो को हमको किसी भी नंबर से डिवाइड करने का है तो आंसर उसका आता है ज़ीरो, क्योंकि मैंने आपको ज़ीरो का टेबल बोला था। ज़ीरो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। देयर आर ज़ीरो चॉकलेट्स इन द बॉक्स, वी कैन नॉट डिवाइड ज़ीरो चॉकलेट्स। रिमेंबर ज़ीरो डिवाइड मतलब अगर डिविडेंड हो तो डिवाइडेड बाय एनी नंबर अदर देन ज़ीरो गिव्स ज़ीरो कोशेंट। मतलब अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो इसलिए यहाँ पे एक हम और सॉल्व करके देखेंगे क्वेश्चन, ये ऑलरेडी करके दिया है इसलिए मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर देती हूँ। 40 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 के टेबल में 4 आता है कौन से पोजीशन पे? आप यहाँ पे ऐसे टेबल राइट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। अब 2 के टेबल में 4 आता है, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि सिंगल सिंगल नंबर से हमको स्टार्ट करने का है। 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है। कौन से पोजीशन पर ये मिला मुझे, कौन से पोजीशन पे? 2, तो आंसर हो गया ये यहाँ पे 2। 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 ज़ीरो। अब ये जो बचा हुआ 0 है इसको भी हमको नीचे लेने का आ गया। अब 2 के टेबल में 0 आता है ऑलरेडी सभी टेबल के इसमें 0 आता है। तो 2 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, 2 0 ज़ा 0 आंसर, यहाँ पे भी क्वेश्चन लेंगे 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये मिला हमको क्वेश्चन 20 एंड रिमाइंडर 0। रिमेंबर ऑलवेज 40 tens डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 tens। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको सुना, अगर हम 40 tens को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमको क्या मिलेगा, 2 tens मिलेगा। 4 tens को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 tens मिला। इट मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20। इट इज़ वेरी सिंपल। अब ये नीचे के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर लेसन नंबर 6, डिविजन पार्ट 1। थैंक यू सो मच।